मेरी बहन, अब तो तेरा रास्ता बिल्कुल साफ और शफाफ हो गया, नीट एंड क्लीन। अब तुझे कासिम की दुल्हन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाजी, मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, शमीम अंकल कैसे मान गए रिश्ते के लिए। अरे तो हमें भी उठी जब पता चला था कि वो रिश्ता लेकर आ रहे। यानी कि तुम्हें पहले से पता था कि अयान की फैमिली मानुल का प्रपोजल आने वाली है। यार चाचू ने तो सबसे छुपा के रखा था, लेकिन मानुल ने बता दिया था मुझे। पर वो मान कैसे कि मुझे समझ ये नहीं आ रहा यार। मेरे सुनने में आया कि अब्बा मियां ने चाचू को समझाया और चाचू खुद जाके अयान के अब्बा से मिले। क्या ये सूरज मगरिब से कैसे निकल आया? जो भी हो रहा है अच्छा ही हुआ यार, मैं मानून के लिए बहुत खुश हूं। कम से कम उसको तो अपनी मोहब्बत मिल रही है। चलो अच्छा है, अब तुम अयान के साले बन जाओगे। यार दोबारा ये मत कहना है। तुम चिढ़ क्यों रहे हो? छोड़ो यार सारी पुरानी बातें, अयान से फिर से दोस्ती कर लो। जब तुम्हारे दादा और चाचा जैसे खड़ूस लोग उन बातों को भूल सकते हैं तो तुम भी उसे माफ कर दो ना यार, भूल जाओ सारी बातें। मैं अयान को इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगा, उसकी वजह से मेरा दोस्ती पर से भरोसा उड़ गया। चल छोड़ना यार, आजल बटान की चाय पीते हैं, केक भी खिलाऊंगा, चल ना। अरे वो तीसड़ा में रहता है। आया ना, दे दू केक कहीं। चल शुक्र है इस मानूर से तो हमारी जान छूटी, कमबख्त तलवार की तरह सर पे लटक रही थी। अरे मेरी बहन, अब तो तेरा रास्ता बिल्कुल साफ और शफाफ हो गया, नीट एंड क्लीन। अब तुझे कासिम की दुल्हन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। एला बाजी, मुझे तो शर्म आ रही है। एक बात तो बताओ मुझे। हाँ। अगर मानूर उस घर चली गई फिर तो तुम्हारा भांडा फूट जाएगा ना। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम कहीं और नौकरी ढूंढना शुरू करो ना, तुम बहुत बुरा फंसोगी। फिर जाएगी तुम्हारी बात आगे। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।